पति के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहा ना अम्मा, गुस्से में था, छोड़ा है उसे, बच्ची नहीं है, अकेले घर आ सकती है। मंगल ने आदित्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बताया, और आदित्य भी हमसे झूठ बोला। आज तक आपने उस पर हाथ नहीं उठाया, और आज इस उम्र में आप मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। उस मंगल की वजह से, जिसकी वजह से आज मैं जेल गया। आदित्य, हम तुम्हारी हरकतों में शर्मिंदा, तुम अपनी पत्नी को खाई में अकेले छोड़कर आते हैं, दिल्ली के बाहर उसे अकेले छोड़कर कैसे आ गए? कैसे हुआ तुमसे आदित्य? अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पत्नी के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहा ना अम्मा, गुस्से में था, छोड़ा है उसे, बच्ची नहीं है, अकेले घर आ सकती है। अकेले लोगों की शादियां करवा दी, जागरूक नागरिक पुरस्कार लेकर आई, अकेले गुड्डों से भर जाती तो अकेले घर आ भी सकती है। हमारे किस बात का थप्पड़ मैं खा रहा हूं? हमेशा हर रोज आपने मंगल की तरफदारी की, लेकिन मेरे दुख को समझने की कोशिश काफी नहीं। बस अम्मा बस, बहुत सुन चुका हूं, बहुत नहीं सुना, माफ कीजिए मुझे। हमारा शब्द बिल्कुल सही निकला, मंगल ने आप एक शब्द नहीं बताया, और आदित्य भी हमसे झूठ बोला, सच पाया। जो कुछ भी हुआ है वो गुंडों की वजह से हुआ है, वो यादव की वजह से हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में आग लग गई, लेकिन हमें आदित्य को समझाना पड़ेगा कि उसमें मंगल की कोई गलती नहीं है, दरअसल किसी की भी कोई गलती नहीं है। हालात ही ऐसे थे कि किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, सब कुछ क्या हो गया माता रानी।